का स्वागत है मेरे और आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर हैशटैग पहाड़ी बॉय सीधे पहाड़ से। तो दोस्तों आज हम लोग आ रखे हैं लैंसडाउन कैन बोर्ड और मैं आपको दिखा दूंगा, अभी दिखाता हूं मैं आपको कितने कितने लोग आ रखे हैं, अभी कितने स्टूडेंट और आने बाकी हैं, तो आप देखते रहिए इसी तरीके से। फिर मैं आपको जहाँ की जो मैम करवा रही है सब कुछ, तो मैं उनके भी आपके थोड़े इंटरव्यू लिवा दूंगा और बाकी आप देखते रहिए आगे। मैं आपको थोड़े शॉर्ट्स दिखा देता हूँ उनके और हम बात करते हैं हमारे स्टूडेंट से कि वो क्या बोलते हैं और उनका क्या है और बाकी बात करते हैं हम आगे। तो दोस्तों ये है कैंटोनमेंट हॉस्पिटल लैंसडाउन और ये है स्टूडेंट्स हमारे। अभी ये सबसे पहले, हाँ जी सर, यस वंश जी बताइए कैसा लग रहा है आपको आज, आपका फर्स्ट क्लास है आज। ये अद्भुत फीलिंग मैं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ, ये 10 दिन में कैसे खत्म हो जाएगा पता ही नहीं चला है। 10 दिन सर, आज तो पहला दिन है। नहीं सर, आपने मिस कर दिया, इन्होंने मिस कर चुका है। आप भैया थोड़ा बताइए। नेक्स्ट वन जो कोर्स का मोटिव ये है कि स्टूडेंट्स को एक रास्ता हम दिखा सके कि इस फील्ड में भी करियर कर सकते हैं। ये कोर्स करने के बाद अगर स्टूडेंट इस फील्ड में काम करते हैं तो ये रिवर्स माइग्रेशन में बहुत हेल्प करेगा और साथ में बहुत अच्छा है, यहाँ पे नेचर है, सब कुछ है और रोज़गार बच्चों को घर बैठे मिलेगा, तो इससे अच्छा आई थिंक कोई भी विकल्प इनके स्टूडेंट्स के लिए नहीं हो सकता। और उत्तराखंड में तो स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं, होम स्टेज में, गाइड्स में और एडवेंचर में स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कर रहे हैं और यहाँ पे तो वैसे भी टूरिस्ट बहुत है, तो स्टूडेंट्स को इंडल्ज कर सकते हैं, साथ में एडवेंचर कोर्सेज करवा सकते हैं, गाइड का कर सकते हैं, होटल का कर सकते हैं, होम स्टेज का कर सकते हैं, तो परफेक्ट है। और इस तरह से हम इनको एक तरह से लाइन हम लोग कह सकते हैं कि रास्ता हम लोग इनको दिखा रहे हैं और बस दैट्स इट। और आज इसी इसमें आज हम लोग इनको यहाँ आर्मी कैंटोनमेंट हॉस्पिटल हम लोग लेके आए हैं सो दैट इनका एक मेडिकल सेशन इनका हो जाए कि कभी ये टूरिस्ट को लेके कभी अगर रिमोट एरिया में जाए या कुछ टूरिस्ट को कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो इनको क्या फर्स्ट देना चाहिए, उसी का सेशन है। ठीक है मैम, आज पहली क्लास है मतलब आपके? हाँ कह सकते हैं पहली क्लास, आउटडोर का तो इनका फर्स्ट क्लास है, ये आउटडोर का फर्स्ट क्लास है। मैम आगे के सेशंस के बारे में कुछ बताओगे? आगे के सेशंस में इनका मंदिर में भी एक मंदिर जो यहाँ के फेमस मंदिर है कालेश्वर मंदिर, वहाँ सेशन होगा, वहाँ पे इनको लैंसडाउन के पूरा हिस्ट्री कल्चर इसके बारे में बताया जाएगा, इसके बाद इनको साइट विजिट में ले जाएगा, इनके ऑनलाइन सेशंस भी होंगे डिपार्टमेंट की ओर से, कुछ जो एक्सपर्ट्स हैं वो ऑनलाइन सेशंस भी करेंगे, तो अभी आगे भी और सेशंस होने हैं 13 को एग्जामिनेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू। आपने देख लिया, मैंने जो यहाँ की मैम है मतलब जिन्होंने स्टार्ट करा उनसे मैंने आपसे आपकी बात करवा चुकी, उन्होंने अपने पूरा बता दिया है इस पूरे हेरिटेज टूरिस्ट गाइड के बारे में कि या ये ट्रेनिंग के बारे में, जो भी अभी आगे की जो व्लॉग्स रहेंगे वो इसी के ऊपर रहेंगे, इसकी सीरीज़ बन जाएगी पूरी एक 10 दिन की। और आखिरी में मैम ने बोला है कि जो इसका टेस्ट वगैरह होगा वो आपका हाँ, ये लौंडा फेल होने की बात कर रहा है, इसका नाम है वंश के आर बॉन्ड और ये बंदा कह रहा है कि फेल हो जाएंगे, इसको आप बस जोक सपाट और बाकी बातें करेंगे हम आगे भी, जो जो ये मैम बताएंगी क्या क्या होने वाला है। तो दोस्तों जैसे हम अंदर आ चुके हैं, अब यहाँ पे गोलू भाई बताओ फिर, आज आप फर्स्ट टाइम सीखने वाले हो फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट टाइम सीख रहे हो कि स्कूल में भी सीखा है? पांचवी क्लास में सीखा था किसने, जोशी सर ने सिखाया था? नहीं, नहीं। तो बेसिकली किसी को कोई भी कुछ चीज हुई हो, मिस हैपनिंग हुई हो, तो डॉक्टर के पास जाने से पहले आप एट द स्पॉट जो भी उसका मैनेजमेंट करोगे वो फर्स्ट एड के रहता है। आपने एकदम डायग्नोमेटी देख के जो भी करना है वो फर्स्ट एड के रहता है, क्योंकि सांस को नहीं ले पा रहा, मतलब मुंह में कहीं चोटी हो गई,
में आदमी ने ब्रीथ नहीं कर रहा, आपको उस पोजीशन में उसका हेड ऐसे एक्सटेंड कर देना है। हेड जब आप एक्सटेंड करोगे तो नेक की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन उससे पहले आपने ये श्योर करना है कि उसकी नेक में कोई इंजरी तो नहीं हुई। नेक में इंजरी हुई तो आप उसको और बढ़ा दोगे, तो फिर आप जब एक्सटेंड करोगे देखो ये जीप अपनी पोजिशन पर, तो ये आपका रास्ता। जॉ देखो आप अपना, ये एंगल इसके जस्ट नीचे आप जाओगे आपको धक धक सुनाई देंगे, सुनाई देगी आपको पता चल रहा है ये कैरोटिड होता है। दिस इज बेसिक साइन की हाँ पेशेंट में अभी सर्कुलेशन आप सीपीआर था। आप सबसे पहले पेशेंट को बिल्कुल सीधे निकालेंगे, ठीक है, कोई भी उसके नीचे तकिया वगैरह आपने नीचे रखना है, ठीक है। एक हाथ का इसको हम हील बोलते हैं, इसको करना है, दूसरा हाथ इसके ऊपर रखिए, आपस में ऐसे मिला, ठीक है। हमको मिड चेस्ट में करना है, हमको रिब्स को नहीं दबाना है, हम उसको इंजरी कर सकते हैं, रिब्स को नहीं दबाना है, हमने बीच में करना है। बीच में हमें 30 times करना है, 30 times हम दबाएंगे। किस डेप्थ तक हमने प्रेशर देना है, इस डेप्थ तक देना है कि ये चीज़ लगभग 6 centimeters मैक्सिमम 6 centimeters तक नीचे जाए, इतना प्रेशर। 2 times हमें ब्रीदिंग करना है, ब्रीदिंग का पैरेफ्री में माउथ टू माउथ के अलावा और कुछ सांस बाकी नहीं है, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे करके स्टार्ट करना है, यहाँ पे रखना है, रिलीज 1 2 3, ठीक है, लेकिन और आपको इस हिसाब से करना है कि आप 1 minute पे कम से कम 120 का कंप्रेशन लगाओ। इट्स बेटर अगर आपके साथ कोई और है तो उसको भी लगाओ अपने साथ में, माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन बोलेगा और आप वो करो, फिर चेंज भी कर सकते हो, लेकिन ये करने में भी थकान होनी है आपको। तो दोस्तों क्लास ख़त्म हो गई है, हम बाहर पे फोटोग्राफ्स होंगे तो बाकी बातें करेंगे हमारे गोलू भाई बाहर पे। अब हम लोग रुके हैं, बाकी तुम्हारे लोकल स्टूडेंट्स हैं ना, तो मैं आपको अभी से इनविटेशन दे रही हूं और रिमाइंड भी करवाऊंगी मैम एक बार, है ना। ड्रेसिंग बैंडेज की अलग-अलग क्वालिटी होती है, अलग-अलग साइज होते हैं ताकि वो लोग आते हैं। हां हां आ जाओ, 6 inch 4 inch 2 inch है ना, उसमें आपने ये देखना है कहीं पे इंजरी है, आपने ब्लीडिंग स्टॉप करना है, स्टेट आपको कॉटन मिलेगी तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करोगे रुमाल लोगे ना, दो आदमी है तो 2 rumals मिल जाएंगे, एक आदमी तो एक ही होगा तो पहले तो उस रुमाल से जैसे दो 3 minutes तक ना आप फिर हल्का चेक करोगे, फिर भी निकलेगा थोड़ा फिर दबा देना, ठीक दबा के रखा दबा दे, फिर चेक करना है, दबा दिया पता लग जाता है कि रुक गया, उसके बाद उसी के ऊपर दूसरा रुमाल टाइट, फिर उसकी पोजीशन देखनी है कि भाई ये ब्लीडिंग है इसमें तो ऐसे नहीं कि उसको दबा के रख दिया है ना, तो यूँ किया, अरे एक कोई कपड़ा मिल जाए चुन्नी किसी और की कहीं पड़ी हुई तो यहाँ टांग दिया ताकि वो फिर ना हो। क्रैप बैंडेज, क्रैप बैंडेज ये ड्रेसिंग बैंडेज इस तरह का है कि जैसे कि ये है 15 centimeters, इसको बोलते हैं 15 centimeters का क्रैप बैंडेज, और गाँव में बोलते इसको गर्म पट्टी। अब इसमें ये देखना आपने जल्दबाजी में इसे खोलोगे, पहले तो होता नहीं है, अगर होगा फर्स्ट एड बॉक्स में तो ये खोलते समय आपने इस पिन को देखना है कि कहीं एकदम से आप इसको खोलते समय गुम ना कर लो, पहले ही खोल दिया तो आपने ये देखना है कि अगर ब्लंट इंजरी है, ब्लंट इंजरी में क्या करना है कि आपके पास अगर बोविरान जेल डाइक्लोफिनेक जेल तो टॉपिकली इस्तेमाल कर सकते हैं, सभी लोग कर सकते हैं टॉपिकली मतलब स्किन के ऊपर, अगर ब्लंट इंजरी है ओपन नहीं है, ओपन में तो फिर एंटीबैक्टीरियल चलती है, एंटीबैक्टीरियल में बीटाडीन हो गया, सोप्रामाइसिन हो गया, इस तरह की चीज़ होती है ना, लेकिन ब्लंट में आपने इसका इस्तेमाल करना है तो बाई चांस आपके पास वो पड़ी हो क्रीम थोड़ा लगा सकते हैं, स्वेलिंग कम हो सकती है। अब आपने ये देखना है कि स्पेस कितने स्पेस करती है आपको, तो एक स्पेस ये है 15 centimeters 8 centimeters का, तो आपने देखना है कि अगर इसका हाथ ऐसा मुड़ा हुआ है तो इससे ही हो जाएगा रिस्ट के लिए, ठीक है, उसकी पोजिशन सही से ली, डाइक्लोफिनेक जेल लगाया
इंजेक्शन लगा नहीं सकते, इंजेक्शन से दम से असर होता है ना, यूँ किया बांधा ना इसमें, तो उसको इतना सपोर्ट करना यहाँ से अब उसके बाद पिन पिन लगा के फिर वही ऊपर उसी तरह से देखना है साइड कौन सी है, साइड देखने ना बॉडी में कौन सी साइड है, उस हिसाब से इसका चयन होता है ना। और ये बैंडेज है, तो ये बैंडेज जो है ड्रेसिंग बैंडेज है, इसका इस्तेमाल तो इसमें यूज होता है एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट या सॉल्यूशन होता है, उससे पहले वाश करना चाह रहा होता आपको सेवलॉन हो गया मतलब थोड़ा सफाई करना, सॉल्यूशन ये बोलता है बीटाडीन सॉल्यूशन, कोविडोनाइडिन बोलता है बीटाडीन, बूंदी लेके आई। आज हमने सीखा CPR, ABC और वाउंड्स वगैरह को किस तरीके से हम क्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें सीखी हमने। और अब कल हम लोग जो पांचवी क्लास होगी, मेरे को लग रहा था कि ये पहले दिन की क्लास है, बट उससे पहले हो चुकी है दो क्लासेस, हमने लेट ज्वाइन करा था। और अब हम लोग कल जाएंगे कालेश्वर महादेव के मंदिर और वहीं का मतलब थोड़ा बहुत बताएंगे, जैसे कि आपको पता ही है कि हेरिटेज, ठीक है, हम हेरिटेज टूरिज्म का ये कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें ये सब चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि हम अपने एज अ गाइड हमें अपने साथ जिसको भी ले जाते हैं हम उन सबका सेफ्टी का हमें ध्यान रखना चाहिए। और अब हम लोग सीधे कल करेंगे लैंसडाउन में बात, ओह लैंसडाउन के कालेश्वर मंदिर के बाद हम पहुंचेंगे 11 बजे वहाँ पे, और वहीं होगी अगले व्लॉग, कल का व्लॉग वहीं से होगा शुरू, ठीक है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग सीधे।